लेट श्री हमारे भाई केएल गुप्ता जी हैं, मैं उनको याद करना चाहूँगा, उनको श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करना चाहूँगा, उनको पुष्पांजलि अर्पित करना चाहूँगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आए हुए हैं, जिनका उनसे सीधा परिचय रहा होगा। फाउंडर थे, उनकी सोच थी कि कैसे एक स्कूल, जबकि खुद वो बहुत ज्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा शिक्षण संस्थान खड़ा कर दिया। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जिसको आज गुप्ता जी पढ़ा रहे हैं, उनके बेटे पढ़ा रहे हैं, और परिवार के दूसरे गौरव जी और दूसरे साथी पढ़ा रहे हैं, मैं निश्चित रूप से इस मौके पर उनको अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। इस कार्यक्रम के अंदर हमारे चेयरमैन साहब श्री गुप्ता जी, वाइस चेयरमैन हमारे दूसरे राजेश गुप्ता जी, गौरव जी, दीपक जी, रावल साहब और मैनेजर जी, और समस्त मैनेजर हमारे रोहित जी जो बहुत ही एनर्जेटिक हैं, ऐसे डायरेक्टर जिनकी जितनी तारीफ की जा सके कम है, सीता मोहन जी और बाकी दूसरे डिपार्टमेंट्स की सारी हेड, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि इस बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए। जब यहां आके एलुमनाइज अपनी विटनेस दे रहे थे, अपने लिए बता रहे थे कि हम यहां से हमने शिक्षा प्राप्त की है, यहां से हम गए हैं और कहां कहां गए हैं, तो जैसे हमारे बीच भाई चिराग ने अपने आप को साबित करके दिखाया कि किस ढंग से वो रोते हुए को भी हंसा सकते हैं, परेशान को सकते हैं, और अपने अंदर कितने भी उनके अंदर दुख हो, दर्द हो, लेकिन दूसरों को हंसा के दूसरों को तो खुशी दे ही सकते हैं। ऐसे भाई चिराग जी, आपकी मैं वो बात उस समय समझ रहा था, जितने ही स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं, मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से, जब ये अपनी बात कह रहे थे कि हम कहाँ हैं, हम सैमसंग में हैं, कोई कह रहा था ICICI बैंक में है, कोई बता रहा था कि हम कहाँ हैं, तो ये जो सामने बैठे हुए हैं, जो पूरा मैनेजमेंट सामने बैठा हुआ था, तो उनको खुशी हो रही थी, मैं उन्हें महसूस कर रहा था, वो मुझे कह रहे थे कि देखिए कितनी बड़ी बात है। और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात है, और ये सच है, जब आदमी जहां से कुछ सीख के जाता है और जाके कुछ बनता है, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा नाम उस इंस्टीट्यूशन का छोड़ के जाता है। भाई चिराग जी ने भले ही वो बातें अपने हंसे कवर में कही होंगी, लेकिन वो बहुत सच है, बहुत सच है। जिस ढंग से अपील की गुप्ता जी ने कि अपने इन भाइयों का भी ध्यान रखना जो आज यहाँ से पास आउट होके जाएंगे, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छी बात है। और जब ये लोग कहीं अच्छी जगह होंगे और प्लेसमेंट के लिए इनको मौका मिलेगा कि यहाँ आए और यहाँ के बच्चों के साथ ये देखें बैठे, या बच्चे यहाँ के वहां जाए, तो मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं दिल में वो फेवर करने की वो आशा जरूर रखते होंगे। आज फैमिली के साथ आए थे, बहुत अच्छा लगा। हमारे समय में तो ये सब कुछ नहीं होता था, ये कुछ नहीं था, हम लोग तो छठी क्लास से तो पढ़ना शुरू करते थे, छठी में पहली बार क्लास में जाते थे, हमारी क्लास ही छठी से शुरू होती थी। लेकिन आज जब ये चीज देखते हैं, तो हमें लगता है कि इस चीज का बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़े मायने हैं इस चीज के, क्योंकि जब
लोग शुरू से लेकर आखिर तक जुड़े रहते हैं और ये मैंने एनालाइज यही नहीं देखी है, मैंने ऐसे आईएएस आईपीएस ऐसे ऐसे लोगों की वो देखी है कि मुझे लगता था कि कितने कितने पुराने लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुश होते हैं और एक दूसरे की मदद के साबित अपने आप को साबित करते हैं एक दूसरे की मदद करके वो लोग। कई ऐसे मुश्किल समय में एक दूसरे की वो लोग मदद करते हैं और ये जब ही संभव है कि जब आप एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और जुड़ेंगे कब, जुड़ेंगे ऐसी ही जब कोई मीट होगी, ऐसे ही जब जिस ढंग से आज यहाँ बुलाया गया है ऐसे जब आएंगे तो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और एक दूसरे के साथ उनका इंटरेक्शन होगा। मैं मुझे लगता है कि जब एक दूसरे के साथ उनके नंबर शेयर होंगे, एक दूसरे को अपने नंबर देंगे और लेंगे तो निश्चित रूप से एक दूसरे के बहुत काम आने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी इतना बड़ा अच्छा फंक्शन होगा, लेकिन मैनेजमेंट ने सोचा कि फंक्शन ऐसा होना चाहिए और अभी मैं जब सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि ये फंक्शन हर साल होगा। सबसे अच्छी बड़ी बात यह कि हर साल होगा और जब हर साल, अब हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि साल में दो बार भी होगा लेकिन एक बार की तो मैं उम्मीद करता हूं, जैसा मुझे कहा गया मैं सुन रहा था, जब साल में एक बार ऐसा फंक्शन होगा, साल में एक बार आप सब लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो केवल आप नहीं मिलेंगे, जो यहां से इस साल पास आउट हो जाएंगे या जो उसके बाद पास आउट हो जाए वो भी आपके साथ मिलते हुए चले जाएंगे और कितना बड़ा ग्रुप बन जाएगा ये इसको सोच नहीं सकता आदमी, अपने आप में एक दुनिया बन जाएगी। निश्चित रूप से मैं इस संस्थान को, इंस्टीट्यूशन को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, पूरे मैनेजमेंट को बधाई देना चाहता हूं, चेयरमैन साहब और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है। पीछे भी एक कार्यक्रम हुआ था एमबीए का, बहुत अच्छा कार्यक्रम था वो भी, मैं उसमें मैं गया था, सही मायने में मैं जुड़ा हुआ हूं इस स्कूल से, इस संस्थान से जुड़ा हुआ हूं क्योंकि ये परिवार बिल्कुल मेरे परिवार की तरह है। मैं चीफ गेस्ट के रूप में यहां नहीं आया, मैं परिवार के सदस्य के रूप में आपके बीच में आया हूं और जब परिवार के सदस्य के रूप में आया हूं तो आपके भी सदस्य परिवार सदस्य के रूप में आया हूं कि आपके साथ भी मैं ऐसे ही जुड़ा हूं। और निश्चित रूप से ये सच है, भाई चिराग बता रहे थे कि मेरे, मैं एक बार गया अपने स्कूल में, मेरे पैर छुए, मैं टेलीकॉम एंड आईटी मिनिस्टर था, एक दिन शाम को मैं ग्नॉट प्लेस किसी काम से जा रहा था, वहां ग्नॉट प्लेस में वेंगर्स का नाम सुना होगा आपने, वेंगर्स वहां केक और पेस्ट्रीज वगैरह का पुरानी शॉप है वो अंग्रेजों के टाइम की, मैं वेंगर्स जा रहा था, मेरी बेटी का जन्मदिन था तो मैं उसके लिए केक के लिए वहां जा रहा था, मेरे साथ मेरी सिक्योरिटी चल रही थी, मैं खुद ये काम मैं खुद करता हूँ कि बिटिया का जन्मदिन हो या ऐसा हो तो मैं खुद ये काम जाके खुद करता हूँ, अपने मर्जी के फूल लेके आता हूँ, अपनी मर्जी का केक लेके आता हूँ। तो मुझे एक बहुत बुजुर्ग से, बहुत मतलब बहुत छरहरे बदन के एक बुजुर्ग आते हुए दिखाई दिए, मैंने उन्हें देखा, मैं कॉरिडोर में था क्लॉट प्लेस के, लोग भी मुझे देख रहे थे, जब आगे पीछे सिक्योरिटी चल रही हो तो लोगों की नजर वैसी पड़ती है, तो मैंने देख के उनके मैंने पैर छुए, मैंने पैर छुए, उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ के देखा था कि बेटा आप कौन हो, मैंने कहा सर आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं अशोक हूं, मैं घोंडली का रहने वाला हूं, अशोक प्रधान हूं, जो वॉलीबॉल बहुत अच्छी खेलता था और हॉकी भी बहुत अच्छी खेलता था। वो अशोक हो जो बाबूराम स्कूल में जब हम जीत के आए थे वॉलीबॉल का मैच, वही अशोक हो जिसने दो लड़कों को चोट लगा दी थी बॉली मार के, मैं कह जी मैं बिल्कुल वही हूँ। कह रहे बेटा मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने कहा आपने तो लाखों बच्चों को पढ़ा दिया हो, आप किस किस को पहचानेंगे, लेकिन मैं अकेला ऐसा हूं जो आपसे पढ़ा हूं, हर बच्चा उसको जानता है जिससे वो पढ़ के आता है,
मैं कहा सर आप मेरे इतने अच्छे साइंस के टीचर थे, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। दुनीचंद सर थे मेरे बहुत प्यार करने वाले, मैंने जब उनके पैर छुए तो उन्होंने कहा सबके सामने आपने पैर छू लिए। मैं कहा सर आप गुरु हैं, इस लायक आपने ही बनाया कि मैं आज ही इतनी उसके साथ घूम रहा हूँ, लोग देख रहे हैं मुझे और लोग नोटिस कर रहे हैं। तो ये संस्थान तो ऐसे ही, यहाँ के गुरु तो ऐसे हैं जो आपको पढ़ा लिखा के जब भेजते हैं, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उस समय हम भले ही ये सोचते हो कि इन्होंने हमें हमारे साथ कैसा व्यवहार किया, पढ़ाई के लिए सख्ती की, क्या किया, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के अंदर जब आदमी कामयाब होकर ऊपर पहुंचता है तो दिल में उनका सम्मान एक जगह रहता है। उस संस्थान का भी, उन पढ़ाए हुए जो हमारे वो टीचर रहे उनका भी एक प्यार, एक स्थान अलग से रहता है दिल के अंदर। और इसीलिए आज जब यहाँ लोग यहाँ बोल रहे थे तो वो बता रहे थे फलानी मैम, वो मैम, ये मैम, वो सर, ये सर, तो ये प्यार था उनका, ये आदर था। और निश्चित रूप से ये आदर जो है ये केवल समय सीमा में नहीं बनता, ये उम्र के हिसाब से नहीं बनता है, ये लाइफ लॉन्ग है। जब तक आप रहेंगे, जब तक वो सम्मान उस टीचर के लिए रहेगा, उस जहां से पढ़ के गए उनके लिए रहेगा, जब तक आप रहेंगे अपने बच्चों को भी बताएंगे आप कि हमने वहां से MBA किया था, वहां से इंजीनियरिंग की थी, वहां से हम ये, हमारा टीचर ऐसा था, हमारा ऐसा था, ये सब चर्चाएं होंगी। मैं उन्हें एक बार आज इस कार्यक्रम में सभी आए हुए उन पुराने सभी स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में वो लोग आए हैं यहाँ और उन्होंने महसूस किया है कि हमें जाना चाहिए और सबसे मिलना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कीमती है और आप लोगों का तो बहुत ज्यादा, क्योंकि आप लोगों के पास समय कहाँ है, लेकिन इतने व्यस्त समय में से भी आप अपना समय निकाल के आए, तो निश्चित रूप से उस भावना के साथ आए हैं कि हम सब लोगों के साथ मिलेंगे, हम सब हमारे साथी तो मिलेंगे ही, लेकिन निश्चित रूप से हमारा मैनेजमेंट मिलेगा, वहाँ का हमारा टीचिंग स्टाफ मिलेगा, सब लोग मिलेंगे तो हम उनसे अच्छे से मिलेंगे। मैं इस मौके के ऊपर आपको बधाई देना चाहता हूँ। मैंने परफॉर्मेंस देखी है बच्चों की, मैं कोरियोग्राफर साहब को भी बधाई देना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ के स्टूडेंट्स की थी। मैं उन सब स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने ये कार्यक्रम किया है, बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत अच्छा गाया है, बल्कि एक गाना गा रहे थे वो चक दे इंडिया वाला, क्या था वो एक गाना था ना, हाँ तीजा मेरा, कितना सुंदर गाया उन्होंने, दोनों बच्चों ने बहुत सुंदर गाया, बधाई के पात्र। हमारी बच्चियाँ जो यहाँ प्रारंभिक जिन्होंने डांस शुरू किया क्लासिक डांस से, क्या कमाल का डांस उन्होंने किया है, लग रहा था देख के सही मायने में यही ऐसा नृत्य हो रहा है कि आदमी बहुत खुश हो गए। और ऐसे ही बाकी स्टूडेंट्स ने जो अपना एक्सपीरियंस या एक व्यंग के तौर पे, एक हास्य के तौर पे है जो पेश किया, वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। मैं पुनः एक बार पूरे मैनेजमेंट को बधाई देना चाहता हूँ, सभी डायरेक्टर साहब, आप पूरी टीम को, बाकी डिपार्टमेंट्स के भी सारे डायरेक्टर्स को भी, सविता जी आपको भी, और सभी और जो स्टाफ है उसको बधाई देना चाहता हूँ, और खासकर मैनेजमेंट को और भाई चिराग आपको, आपने चार चांद लगा दिए हैं। आपको मैंने एक बार पहले भी सुना था और एक बार आप आज सुना है आपको, बहुत अच्छा व्यंग करते हैं आप, लेकिन उस व्यंग की चोट नहीं पहुंचती, मन में लगती नहीं, कई तो ऐसे कवि हैं जो जब पाठ करते हैं तो उनकी चोट लगती है, लेकिन आपकी चोट लगती नहीं, आप साथ के साथ उसमें जब मरहम भी लगाते चले जाते हैं, ये आपकी खास बात है, और इसलिए आप एक बार पुनः बधाई के पात्र।
अगली बार फिर जब कार्यक्रम होगा तो अगली बार तो डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट तो तय है। चल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ खुद आया, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में। निश्चित रूप से हम ऐसे मिलते रहेंगे। उन्हें एक बार सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, इस बात अपनी बात को समाप्त करूँगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर I now request our Honorable Chairman Sir and Honorable Vice Chairman Sir to kindly come on the stage and present our token of gratitude to our Honorable Chief Guest, who could spare time from his valuable time from his busy schedule and come and join us for today's event. Can I have a big round of applause, ladies and gentlemen?